तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद विकास कार्य की करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर में तेजी लाने के दिए निर्देश, कहा आम आदमी को जल्द से जल्द मिले इस सुविधा का लाभ। बैठक के दौरान सीएम योगी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्निक जानकारी साझा की गई, नई टेक्निक को जल्द से जल्द अपनाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से धौली नदी में आई बाढ़, सीएम योगी ने गंगा किनारे पड़ने वाली सभी जिलों को डीएम को सतर्क रहने के दिए निर्देश। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के विकास पर लगातार नजर रखने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को एक दिन के अयोध्या दौरे पर हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने करीब 5 घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के साथ विकास कार्य की समीक्षा का कार्यक्रम रखा। अयोध्या में समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी वाराणसी के लिए रवाना होंगे, जहां 8 फरवरी को वो जिलेवार एक्सप्रेस का निरीक्षण करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, साथ ही साथ विकास कार्य की उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें कि बीते साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर की नींव रखी गई थी और भूमि पूजन होने के बाद राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया था। और Ma pura ram 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 ram
ये अपना सर ये एग्जिट रूट के रूप में यूज हो सकता है बाद में भी अगर इधर से भी एंट्री। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के चमोली जिले में रैनी में ग्लेशियर फटने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली के हरिद्वार तक खतरे के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में बांध टूटने से उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर सीएम योगी ने यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि स्थिति पर पूरी नजर बनाई जाए। साथ ही एसडीआरएफ को भी अलर्ट जारी किया है। सीएम योगी ने गंगा के किनारे पड़ने वाले सभी जिलों के डीएम एसपी को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते उत्तराखंड यूपी से सटे इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि थाने और नदी किनारे बसी आबादी को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के तहत दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो मेरठ कॉरिडोर में शहरी आवास योजना सिंचाई विभागों के परियोजना निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा के दौरान उन्होंने इंटर ऑपरेबल कॉरिडोर और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के दृष्टिगत निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, जिससे आम लोगों को इस सुविधा का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त मंत्री समेत सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर सीएम आवास में बैठक की गई। इस दौरान सीएम योगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्निक जानकारी साझा की गई, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आधुनिक तकनीक मान